तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को मदद करने वाले हीरो सोनू सूद पर बीएमसी ने लगाया है अवैध निर्माण का आरोप। आइए देखते हैं पूरी बात क्या है। सोनू सूद पर लगाया आरोप है कि अवैध इमारत को होटल में तब्दील किया गया है। बीएमसी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और यह कहा है कि एक्टर सोनू सूद ने मुंबई में एपी नायर रोड पर शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना अनुमति के होटल में बदल दिया है। शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है जिसका कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक्टर पे बिल्डिंग के हिस्से को बढ़ाने और नक्शे में बदलाव करने के लिए बीएमसी को मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई है। ऐसा ही एक मामला कंगना रानावत को लेकर भी सामने आया है। आइए देखते हैं दूसरी न्यूज। एक्ट्रेस कंगना रानावत की कानूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अपने घर को लेकर बीएमसी से जंग लड़ पड़ी है कंगना रानावत। बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ा है उनको। कंगना पर बॉलीवुड में अपने ट्वीट के जरिए नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ा है। ये तमाम आरोप कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सईद ने लगाए हैं। उन पर राजद्रोह के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसके बाद बांद्रा कोर्ट के आदेश पर दोनों कंगना रानावत और उनकी बहन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें पुलिस कार्रवाई के लिए सहयोग के लिए कहा गया है। लगातार 3 समन देने के बावजूद भी कंगना और रंगोली जांच में शामिल नहीं हुई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख लिया और एफआईआर खारिज करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्हें 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने का आदेश दिया। अब उसी आदेश को पालन करते हुए शुक्रवार को कंगना रानावत बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। सोशल मीडिया पर पुलिस स्टेशन में जाते हुए कंगना की कुछ तस्वीरें वायरल हुई है। देखते हैं पूछताछ के दौरान वो कितना आत्मविश्वास कायम रख पाती है। ये देखने वाली बात होगी कि बताया जा रहा है पुलिस ने कंगना के कई वीडियोज और ट्वीट संभाल कर रखे हैं।